छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं साहसी दीदी इसका बचा हुआ भाग। इसके पहले हमने देखा कि लिली मोटर बोट से सेंटा द्वीप जा रही थी, अपने पिता के पास सेंटा द्वीप जा रही थी। उसके साथ ड्राइवर रॉबर्ट भी था और अचानक से उनके मोटर बोट में डाकू जॉन घुस आया था। और घुस आने के बाद उसने ड्राइवर रॉबर्ट को रेशम की डोरी से बांध दिया था और लिली को कहा था, तुम यहाँ पर चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। वह डाकू जॉन याकाद्वीप जाना चाहता था। याकाद्वीप यह बदमाशों, जेल से भागे हुए कैदी और डाकुओं का अड्डा था। वहां जाने के लिए आसान रास्ता नहीं था। बड़े बड़े चट्टाने थे वहां पर, ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी और ऐसे रास्तों से जाना बहुत कठिन था। इसलिए या डाकू जॉन जो है वो याकाद्वीप जाकर छुपना चाहता था। वो पुलिस से भागकर निकल रहा था, तभी वो इसके लिली के मोटर बोट में आ छुपा था। अब देखिए, वो लिली उससे छुटकारा पाने के लिए उससे मीठी मीठी बातें करने लगी, उसकी तारीफ करने लगी। और तारीफ करते करते उसे पता चला कि हमारे मोटर बोट में रेडियो रूम है, जिससे हम काम कर सकते हैं, अपना संदेश दूसरे लोगों तक भेज सकते हैं। तभी उसने क्या किया कि धीरे धीरे उस रेडियो रूम की तरफ सरकना शुरू कर दिया। तभी डाकू जॉन ने कहा कि अगर तुम बैठे बैठे थक गई हो तो तुम लेट जाओ। उसे तो यही चाहिए था। उसने झट से लेट कर अपना हाथ ऊपर कर दिया और उस रेडियो रूम के उस स्विच को उसने ऑन कर दिया। इसके बाद उसने ऐसे बोलना शुरू कर दिया कि समझने वाले समझ जाए और डाकू जॉन को पता भी न चले। इस तरह उसने चतुराई दिखाकर बोलना शुरू कर दिया था। अब देखते हैं उसके आगे। हमने देखा था कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, वह हाथ पसार कर लेट गई। अब उसका हाथ रेडियो स्विच पर था। उसने आहिस्ता से उसे ऑन कर दिया और जब उसे लगा कि अब उसका संदेश जा सकता है, तो उसने इस तरह बोलना शुरू कर दिया कि समझने वाले समझ जाएं और जॉन को संदेह भी न हो। देखो, संदेह यानी शक, संदेश यानी समाचार और आहिस्ता यानी धीरे धीरे, इसका अर्थ हमने देखा था। अब देखिए, उसका संदेश दूसरे लोगों तक पहुंच जाए और जॉन को पता भी न चले, ऐसी बातें वो करने लगी। देखिए आगे, मिस्टर जॉन, वह बोली, आप इतने बहादुर डाकू होकर भी पुलिस के भय से याकाद्वीप जा भागे जा रहे हैं। अभी तो हम सेंटा द्वीप से 40 मील दूर उत्तर पश्चिम कोने पर होंगे। प्लीज आप हमें वहां मत ले जाइए, हम दोनों को हमारे ठिकाने पर पहुंचा दीजिए। आप खुशी से हमारे मोटर बोट ले जाइए। देखिए, इस संवाद के द्वारा उसने ऐसे कहा है कि उस जॉन का नाम भी बताया है कि मिस्टर जॉन, ऐसे बोलकर उसने नाम भी बताया है और हम कहाँ पर है, हम कहाँ पर है वो भी बताया है और हम कहाँ जा रहे हैं वो भी उसने बताया है। मतलब डाकू जॉन हमें बंदी बनाकर किधर लेकर जा रहा है, याकाद्वीप जा रहा है, इसकी जानकारी उसने सामने वाले लोगों को दी, जहाँ पर वो संदेश भेज रही है उन लोगों को दी है। देखिए, जॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके इस संवाद पर जॉन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अंधेरा घिरना शुरू हो गया था। हवा जो अब तक रुकी हुई थी तेज होने लगी। धीरे धीरे लहरें भी ऊंची होने लगी और छोटी सी मोटर बोट लहरों पर तिनके की तरह डोलने लगी। समुद्र के अंदर से जा रहे थे तो समुद्र से जाते जाते गहरे समुद्र में वो आ गए थे और ऐसे में हवा भी उस समय तेज हो गई थी। उसके कारण वो पूरी मोटर बोट है ना, वो हवा के कारण डोलने लगी है। अंधेरा अंधेरा घिरना शुरू हो गया था। हवा जो अब तक रुकी हुई थी तेज होने लगी। धीरे धीरे लहरें भी ऊंची होने लगी और छोटी सी मोटर बोट लहरों पर तिनके की तरह डोलने लगी। उस समुद्र के सामने वो छोटी सी मोटर बोट क्या है, कुछ नहीं, तिनके की तरह, वो तिनके की तरह इधर उधर डोलने लगी। इतनी तेज हवा भी चलने लगी है। बिली ने दूसरा संदेश भेजा, मिस्टर जॉन, प्लीज आप हम पर दया कीजिए। समुद्र की हालत खराब होती जा रही है।
आप रॉबर्ट की रस्सी खोल दीजिए, आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए कितनी चतुराई से बोल रही है, चालाकी से बोल रही है कि मिस्टर जॉन प्लीज आप हम पर दया कीजिए, हम पर आप दया कीजिए। और समुद्र की हालत अभी खराब होती जा रही है, आप रॉबर्ट की रस्सी खोल दीजिए। रॉबर्ट को बंदी बनाया है, रस्सी से बांध दिया है, वह भी उसने बात दूसरे लोगों तक पहुंचाई है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकेंगे। देखिए वह अकेला है, मिस्टर जॉन जो डाकू है वह अकेला है उस मोटरबोट में। इसकी भी जानकारी उसने उन लोगों तक पहुंचाई है। हावला बंदरगाह पर लिली का संदेश पहुंच चुका था, पर हावला के कर्मचारी अभी सोच विचार में उलझे हुए थे। उन्हें बार बार यह संदेह हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस को भटकाने के लिए जॉन कोई चाल चल रहा हो। अभी पुलिस कुछ निर्णय भी नहीं कर पाई थी कि जॉन की आवाज गूंजी, बेबी शोर मत मचा। देखिए जो चाहिए था वो हो गया, उसने बोलना शुरू किया। पहले जो संदेश भेजा उसमें जॉन कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप रहा, पर जब दूसरा संदेश भेजा लिली ने तब उसमें वो बोल रहा है और पुलिस को समझ में आ गया। देखिए हावला हावला बंदरगाह, हावला के बंदरगाह पर उसका संदेश पहुंच गया। कर्मचारी का मतलब है काम करने वाले लोग। हावला बंदरगाह पर लिली का संदेश पहुंच चुका था, पर हावला के कर्मचारी अभी सोच विचार में उलझे हुए थे। वो विचार कर रहे थे कि यह जो जॉन है वो बार बार हमें फंसाता है, पुलिस उनको बार बार फंसाता है। अब यह क्या करेगा, पुलिस को उलझन में डालेगा, ऐसे नए नए तरकीबें करेगा कि पुलिस को क्या करेगा, उलझन में डालेगा। वो फंसाता है बार बार, इसीलिए कोई उसके ऊपर विश्वास नहीं रखता है। पर यहाँ पर देखिए उन्हें बार बार यह संदेह हो रहा था, हावला बंदरगाह के कर्मचारी को बार बार संदेह हो रहा था, शक हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस को भटकाने के लिए जॉन कोई चाल चल रहा हो। अभी पुलिस कुछ निर्णय भी नहीं कर पाई थी कि जॉन की आवाज गूंजी, बेबी शोर मत मचा। आवाज गूंजी, बेबी शोर मत मचा। पुलिस के लिए इतना ही काफी था, फिर तो पूरे बंदरगाह पर हलचल मच गई। पुलिस के लिए क्या काफी था कि जॉन की आवाज ही काफी काफी थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, हलचल करनी शुरू कर दी। अब लिली खड़ी हो गई और जॉन के करीब करीब जाकर बोली, देखो निर्णय, यहाँ पर जो निर्णय शब्द है उसका अर्थ है फैसला। पुलिस कुछ निर्णय भी नहीं कर पाई थी, कुछ फैसला भी नहीं कर पाई थी, पर अचानक से आवाज गूंजी की बेबी शोर मत मचा। किसकी आवाज थी वो, डाकू जॉन की। पुलिस के लिए इतना ही काफी था, फिर तो पूरे बंदरगाह पर हलचल मच गई। अब लिली खड़ी हो गई और जॉन के करीब जाकर बोली, मिस्टर जॉन रॉबर्ट को नहीं तो मुझे ड्राइव करने दे, अंकल प्लीज हटिए ना। देखिए ड्राइव कौन कर रहा था, डाकू जॉन। और डाकू जॉन को हटाने के लिए लिली बोली कि अगर रॉबर्ट नहीं ड्राइव कर रहा है तो मुझे करने दो, आप हटिए। अंकल शब्द ने जॉन जैसे अत्याचारी इंसान के मन को कुछ कोमल बना दिया। जॉन ने स्नेह भरी नजरों से गर्दन झुकाकर लिली की तरफ देखा, लिली के लिए इतना ही काफी था। अंकल बोली, अंकल हटिए ना प्लीज। इन शब्दों ने ही उसका मन पिघल गया। देखो स्नेह भरी नजरों से वो अभी लिली की तरफ देख रहा है। तो देखिए अंकल शब्द ने जॉन जैसे अत्याचारी यानी अत्याचार करने वाला या फिर बुरा आदमी, अत्याचार करने वाला या बुरा आदमी, अत्याचारी का अर्थ है। अंकल शब्द ने जॉन जैसे अत्याचारी इंसान के मन को कुछ कोमल बना दिया। जॉन ने स्नेह भरे नजरों से गर्दन झुकाकर लिली की तरफ देखा, लिली के लिए इतना ही काफी था। लिली के लिए इतना ही काफी था कि उसने उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखा, प्रेम भरी नजरों से देखा। तो देखिए आगे क्या हुआ, उसने शेरनी की तरफ पंजा मारकर पिस्तौल अपने कब्जे में ले ली और दो कदम पीछे हटकर गुर्रा उठी, हाथ ऊपर उठा लो वरना। देखो जो वहां पर लेटी हुई थी
वो अचानक से उठी और शेरनी की तरह पंजा मारकर उसने वो पिस्तौल अपने हाथ में ले ली और उसे हाथ ऊपर उठा लो वरना, ऐसे बोला। देखिए आगे क्या हुआ। जॉन ने बौखलाकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। वो बौखला गया, वो क्रोधित हो गया, अधिक क्रोधित हो गया और लिली की तरफ बौखलाकर देखने लगा और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। तभी एक जोरदार लहर से टकराने के कारण मोटर बोट का संतुलन बिगड़ गया। लिली लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। देखिए हवा तेज होने लगी है, मोटर बोट तिनके की तरह डोलने लगी है। और तभी यह जो पिस्तौल है जॉन की, वो लिली ने अपने कब्जे में ले ली और उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहा। तब वो बौखला गया, बहुत ही क्रोधित हो गया। तभी अचानक से एक जोरदार लहर के कारण उस मोटर बोट का संतुलन बिगड़ गया और लिली लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गई। जॉन लिली पर टूट पड़ा और उसी का फायदा उठाकर जॉन लिली पर टूट पड़ा। लिली उठते 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 जॉन के चंगुल में आ गई। पहाड़ जैसी लहरें उठ उठ कर बोट से टकरा रही थी। एक बार फिर जोरदार झटका लगा और दोनों अपना नियंत्रण खोकर फर्श पर आ गिरे। अब दोनों रॉबर्ट के बिल्कुल पास थे। देखिए दोनों में झटापट हो गई और दोनों भी फर्श पर आ गिरे। और गिरकर कहाँ गए? रॉबर्ट जहाँ पर बंधा हुआ था उसके पास नजदीक ही वो गिर गए। अब दोनों रॉबर्ट के बिल्कुल पास थे। रॉबर्ट भी पूरा जोर लगाकर उठकर बैठ गया। अब लिली की शक्ति जवाब देने लगी थी। जॉन ने जैसे ही उससे अपनी पिस्तौल छीननी चाही, लिली ने पूरी ताकत लगाकर पिस्तौल समुद्र में फेंक दी। देखिए एक पिस्तौल ही उसका बहुत साथ दे रही थी और वो पिस्तौल उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर समुद्र में फेंक दी। देखिए एक पिस्तौल ही उसका भरपूर साथ दे रहा था, है ना? पिस्तौल डाकू जॉन का भरपूर साथ दे रहा था और वो पिस्तौल अभी किसके हाथ में थी? लिली के हाथ में थी। पर वो दोनों झगड़ रहे थे, उसमें लिली की ताकत जवाब देने लगी थी, वो कमजोर होती जा रही थी। तभी उसने क्या किया, वो जो पिस्तौल है, पिस्तौल को जब डाकू जॉन छीनना चाह रहा था तभी उसने जोर लगाकर वो पिस्तौल समुद्र में फेंक दी। और जॉन ने घबराकर पिस्तौल की ओर देखा। तभी रॉबर्ट ने अपने दोनों बंधे हुए हाथों का फंदा जॉन के गले में डाल दिया और उसे दबोचकर बैठ गया। लिली ने पानी की बाल्टी उठाकर जॉन के सिर पर दे मारी जिससे जॉन बेहोश हो गया। देखिए वहां पर एक पानी की बाल्टी थी, वो पानी की बाल्टी उठाकर उसने जॉन के सिर पर दे मारी जिससे वो डाकू जॉन बेहोश हो गया। अब लिली ने रॉबर्ट के हाथ पांव में बंधी डोरी खोली और दोनों मिलकर उससे जल्दी जल्दी बेहोश जॉन को बांधने लगे। जो रॉबर्ट को बंधी हुई रस्सी थी वो खोली और उसी रस्सी से डाकू जॉन को बांधने लगे, उससे उसके हाथ पैर वो बांधने लगे। तभी पुलिस का एक हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचा। पुलिस ने जॉन को गिरफ्तार कर लिया। देखिए हावला बंदरगाह पर जो पुलिस कर्मचारी थे वो वहां पर हेलीकॉप्टर लेकर आ गए। उनको संदेश पहुंच चुका था इसीलिए वो हेलीकॉप्टर वहां पर लेकर आ गए और पुलिस ने जॉन को गिरफ्तार कर लिया। जॉन को पकड़वाने के लिए लिली को एक बड़ा इनाम मिला। पहले ही सरकार ने यह घोषणा की थी कि जिसे कोई भी पकड़वा कर देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। तो ऐसे डाकू को पकड़वाने के लिए लिली को एक बड़ा इनाम भी दिया गया। अगले दिन समाचार पत्रों में लिली के साहस की कहानी छपी। सभी की जुबान पर साहसी लिली का नाम था। देखो कितना बड़ा कारनामा उसने अपने साहस की वजह से किया। अगर वो साहस नहीं दिखाती तो डाकू जॉन उसे कहाँ लेकर जाता? लाकर लेकर जाता। इसीलिए बच्चों किसी भी संकट का सामना करना है तो हमारे अंदर साहस का होना बहुत जरूरी है। साहस हो तो बड़े से बड़े संकट का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। इस पाठ के द्वारा साहस का परिचय यहाँ पर लेखक ने दिया है। तो देखिए यह पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। आपको इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है और इसके ऊपर का जो व्याकरण है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।
और उसके शब्दार्थ आपको लिख कर रखने हैं।